Hi friends, welcome to Sonia Barton channel. Wishing you all a very happy Independence Day. और Independence Day के मौके पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये बहुत ही requested video मेरी, जिसमें मैं बनाऊँगी instant dosa. तो instant dosa का मतलब है कि बिना चावल दाल भिगोए झटपट बनने वाला dosa. अब बात करते हैं डोसे की, कि डोसा जब बनाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बैटर को फर्मेंट करना. और ये सबसे बड़ा राज है कि अगर आपका बैटर अच्छी तरीके से फूला हुआ होगा तो आपका डोसा बहुत बढ़िया बनेगा. तो फर्मेंट करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करा जाएगा वो है दही. यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी आधा कप दही, आधा इनो का सैशे यानी कि 2.5 ग्राम्स इनो, साथ साथ नमक इस्तेमाल करूँगी स्वाद अनुसार. तो ये तीनों चीज़ें तीनों रेसिपीज़ में, तीनों तरीके के इंस्टेंट डोसा में कांस्टेंट रहेंगी, मतलब कि ये तीनों चीज़ें हम नहीं बदलेंगे. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें इनो का इस्तेमाल नहीं करना है. तो अगर आप इनो नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यूज़ कर सकते हैं बेकिंग पाउडर. तो अगर आप बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करें तो 1 टीस्पून आपको इस्तेमाल करना है बेकिंग पाउडर. और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में लोग अक्सर मुझसे डिफरेंस पूछते हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ. और अगर आप बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस्तेमाल करना पड़ेगा 1/4 टीस्पून, प्लस उसके साथ साथ 2 से 3 लेमन ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको. तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही बैटर को फुलाने के लिए यानी कि फर्मेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन बेकिंग सोडा जो होता है उसके साथ साथ आपको कुछ खट्टी चीज़ यानी कि कोई एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ता है इसको एक्टिवेट करने के लिए. हालांकि बेकिंग पाउडर में एसिडिक मीडियम ऑलरेडी मिला हुआ होता है, इसलिए उसमें कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो बेकिंग पाउडर ऐसी चीज़ों में भी डाला जा सकता है जहाँ पर कोई खट्टा मीडियम ना हो, जैसे कि केक बनाते हुए, कुकी बनाते वक्त. लेकिन बेकिंग सोडा जब हम ऐड करते हैं तो लेमन ड्रॉप्स, दही यानी कि कोई खट्टा मीडियम चाहिए होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए. तो इस रेसिपी में मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रही हूं इनो. आपके पास तीनों चॉइसेस हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फटाफट से शुरू करते हैं पहला डोसा. पहला डोसा बनाने के लिए पहले मैंने लिया है आधा कप सूजी और साथ साथ लिया है व्हीट फ्लार यानी कि आटा 1/3 कप. और बाकी तीनों चीजें जैसे कि दही, इनो और सॉल्ट रहेगा कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. दूसरे डोसा में हम इस्तेमाल करेंगे राइस फ्लार आधा कप और साथ साथ बेसन यानी कि ग्राम फ्लार 1/3 कप और दही, इनो और सॉल्ट रहेगा कॉन्स्टेंट. तीसरे डोसे में हम इस्तेमाल करेंगे राइस आधा कप यानी कि चावल और साथ साथ इस्तेमाल करेंगे हम उड़द दाल का, जो कि है 2 टेबलस्पून. तो तीनों डोसे बनाने के लिए मैंने तीनों अलग अलग तरीके के बाउल लिए हैं, आप देख सकते हैं. तो पहले बाउल में डालती हूँ ये सूजी आधा कप, साथ साथ ही इसमें डालेंगे हम 1/3 कप आटा यानी कि व्हीट फ्लार. ये हो गया पहले डोसा जो हम फर्स्ट डोसा प्रिपेयर करने जा रहे हैं. और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही, तो आधा कप दही ऐड कर दिए और साथ साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं नमक. तो बस इनो हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि बैटर को फर्मेंट करते ही डोसा एकदम से बनाएंगे हम, तो इनो हम बाद में ऐड करेंगे. पहले हम तीनों बैटर प्रिपेयर करके रखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको पोरिंग कंसिस्टेंसी का एक बैटर बनाकर हम तैयार कर लेंगे. तो ये बनकर तैयार हो चुका है बैटर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पक करके पानी मिलाएं और इस तरीके का कुछ बैटर बना के मैंने तैयार कर लिया है. लेकिन ये थोड़ा सा दरदरा रहता है क्योंकि इसमें सूजी का इस्तेमाल किया गया है. तो इसको मैं एक बार चलाऊंगी ब्लेंडर में, और ब्लेंडर में चलाकर बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर हो चुका है तैयार. तो मैंने बैटर बना तो लिया है लेकिन इसमें हल्का सा पानी की क्वांटिटी मुझे लग रही है, थोड़ी सी ज़्यादा. तो क्या कर सकते हैं हम इसको ठीक करने के लिए, 1 चम्मच मैं इसमें मिला रही हूँ आटा. और बस ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है. तो ये हमारा पहला बैटर था जो सूजी और आटे का बैटर है, इसको हमने तैयार कर लिया है और इसको हम रख देंगे अब साइड पर. और अब चलते हैं दूसरे बैटर की तरफ. तो दूसरा डोसा बनाने के लिए मैंने लिया था आधा कप राइस फ्लावर और साथ साथ 1/3 कप मैंने लिया है बेसन, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया है. और इसमें भी सेम इसी तरीके से हम मिला देंगे दही और पानी और सॉल्ट और फिर बना लेंगे इसका एक स्मूथ सा बैटर. इनो हम तीनों बैटर में आखिरी में ऐड करेंगे. तो दही भी ऐड कर देते हैं इसमें, साथ साथ नमक भी ऐड कर दिया है. और बस थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे इसमें और एक स्मूथ सा बैटर इसका भी हम पोरिंग कंसिस्टेंसी का बनाकर तैयार कर लेंगे. तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है दूसरा बैटर भी हमारा, और इसको भी अब हम रख देते हैं साइड में और चलते हैं तीसरे बैटर की तरफ. तो तीसरे बैटर के लिए चावल और दाल को सबसे पहले पीसना है. चाहे तो आप इसको 10-15 मिनट भिगो के पीसें, चाहे आप डायरेक्टली इसको बस इसी तरीके से हल्का सा पानी मिलाकर पीसें. बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में छोटे मिक्सर में पीसना पड़ेगा, वरना ये बिल्कुल नहीं पिसेगा क्योंकि कच्ची चावल और दाल एकदम से इस तरीके से पिसता नहीं है. तो आपको इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके पीसना पड़ेगा क्योंकि मैं कम ही बना रही हूँ, आधा कप ही लिया है, तो बहुत आसानी से ये पिस गया. और बस
चावल और दाल को इकट्ठे पीस के इसमें मैंने ऐड कर दिया ये आधा कप दही। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से और साथ साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक और बस ये बैटर भी हमारा बनकर हो जाएगा तैयार। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये वाला बैटर बनाएं तो चावल का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है दाल से 3 गुना, लेकिन दाल फिर भी आप थोड़ी कम साइड पे ही रखें। जैसे अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो 1/4 कप दाल लेनी है, लेकिन कोशिश करें कि उससे भी कम लें, वरना दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आता है डोसे में। तो दाल बहुत कम इस्तेमाल होती है इसमें और दोनों का प्रोपोर्शन बिल्कुल 1:3 का होता है। तो अच्छे से मिक्स कर दिया दही को और बिल्कुल बढ़िया ये बैटर भी बनकर तैयार है। इसमें पानी ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी क्योंकि जब हमने मिक्सी में चलाया तो पानी ऐड करके चलाया था। तो तीनों बैटर बिल्कुल तैयार है। ये पहला है जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ़र्क दिखाई दे रहा है। ये है सूजी का बैटर और इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्स्चर कुछ इस तरीके का है। और दूसरा बैटर है बहुत ही स्मूथ सा, ये है राइस फ्लावर और बेसन का बैटर। तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। और तीसरा है हमारा चावल और दाल का बैटर जो कि कुछ इस तरीके का है। तो तीनों बैटर एकदम बढ़िया तैयार हो चुके हैं। बस अब हम फटाफट से करेंगे इसको फर्मेंट इनो का इस्तेमाल करके। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और बस फटाफट से डोसे बनाएंगे। तो ये मैंने आधा इनो का सैशे इस्तेमाल करा है, जैसे 2.5 ग्राम्स मैंने आपको बिगिनिंग में बताया। और बस मिक्स करें इसको फटाफट और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फर्मेंट हो जाता है एकदम से बैटर, पूरा झागदार फ्लफी बैटर हो गया है। और अब हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है। तवा मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था ताकि फटाफट से मैं इससे बना सकूं डोसे और आपको दिखा सकूं कि किस तरीके के बनते हैं डोसे। तो तवा बिल्कुल अच्छे से तेज़ गर्म कर लिया है और अब बिल्कुल लो कर दिया है फ्लेम तेज़। एक बार अच्छे से गर्म करके गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमे कर दिया है। थोड़ा सा तेल डाला इस पर और पेपर टॉवल से उसको बिल्कुल चारों तरफ फैला दिया है तवे पे। और अब ठंडा करेंगे तवे को हम पानी डाल के। तो ये पानी छिड़केंगे इसके ऊपर और फिर से तवे को हम पेपर टॉवल से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि तवा अच्छा ठंडा हो जाए जब हम डोसे को फैलाएं, वरना डोसा हमारा जो है फैलेगा नहीं। तो अब सेंटर में डाला है मैंने ये, एक लैडल से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है मैंने, हल्का सा ज़्यादा लिया है। और उसके बाद जब डोसा बीच में चिपकना शुरू हो जाए तभी डोसा अच्छे से फैलता है। तो आप 1-2 सेकेंड्स के लिए रुकें, जब डोसा बीच में चिपकने लगे तो बस इसको आप गोल गोल घुमाएं। कोशिश ये ना करें शुरू शुरू में जब आप डोसे बनाएंगे, अगर आप बिगनर हैं तो आपसे बड़े साइज़ के डोसे एकदम से नहीं बनेंगे। तो आप कोशिश यही करें कि छोटे साइज़ के डोसे बनाने से शुरुआत करें और जैसे जैसे आप छोटे बनाने में स्किलफुल हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे, तो आप बड़े आराम से बड़ा डोसा बना पाएंगे। तो अब मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है तेज़ क्योंकि हमने डोसे को अच्छी तरीके से फैला दिया है। और तेज़ करके अब इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं ये 1 से 1.5 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रहा है तेल, जिससे कि बहुत ही इवनली ब्राउन हो जाता है डोसा। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये उठा उठा सरफेस आपको डोसे पे दिखाई दे रहा है, ये है आपका बहुत ही अच्छी तरीके से फर्मेंट हुआ हुआ बैटर, यानी कि फूला हुआ जब हमारा बैटर होता है तो ये इस तरीके से डोसा ऊपर उठता है। तो आप एक स्पैचुला की मदद से इसको फ्लैट भी कर सकते हैं और चाहे तो एज इट इज़ छोड़ भी सकते हैं। तो ये 1-2 मिनट के अंदर ही आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्राउन होने लग गया है डोसा, बिल्कुल अच्छी तरीके से इवनली ब्राउन डोसे का साइन है ये। आप देखिए, मैं आपको स्पैचुला की मदद से उठा कर दिखा रही हूँ डोसा हर साइड से और बढ़िया सिक गया है एकदम डोसा। थोड़ा सा इसको और सेक लिया है मैंने और ये परफेक्टली इवनली ब्राउन डोसा, जो कि आई एम श्योर आपको डोसा उठाने से ही समझ में आ रहा होगा कि कितना कुरकुरा है ये डोसा। ये देखिए एकदम पतला कुरकुरा डोसा कितनी आसानी से सिर्फ सूजी और आटे का इस्तेमाल करके घर पर बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है आपको सेपरेटली दिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सुनाती हूँ इसकी आवाज़। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये अंदर से भी कितनी अच्छी तरीके से पका हुआ एकदम पतला डोसा बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार है। और अब मैं इसको खाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना क्रिस्पी और कुरकुरा है। तो आई एम श्योर आपने देख लिया कि डोसा कितना आसान है, सूजी और आटे का तो बहुत ही बढ़िया डोसा बनता है। ये मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट डोसा है इंस्टेंट डोसा में अगर आप पूछें तो मेरा सबसे फेवरेट यही डोसा है, जो कि पता भी नहीं चलता है कि आपने मार्केट से लाया है यह डोसा या घर पर बनाया है। तो दूसरा भी डोसा मैं आपको इसी बैटर से सेम से बना कर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि डोसा कितना आसान है इस तरीके से बनाना, इंस्टेंट डोसा बनाना कितना ज़्यादा ईजी है। तो ये दूसरा बैटर भी मैंने फैला दिया है, बस उसको तवे पर डाल के
लो आंच पे फैलाएं, हमेशा याद रखना है आपको कि जब आप डोसा फैलाने लगे तो लो आंच रखें, और जब एक बार स्प्रेड कर दें तो आंच को करना है तेज़। और जब अच्छे से ब्राउन हो गया है ये डोसा भी, थोड़ा सा तेल और डाल दिया था मैंने ताकि अच्छे से इवनली ब्राउन हो जाए, और उसके बाद आलू लगाया है मैंने इस डोसे में बीच में, ताकि बिल्कुल मार्केट जैसी फील आपको दिखा सकूँ, कि आपको समझ आए कि घर में भी कितनी आसानी से बिल्कुल पहाड़ जैसा डोसा बनकर तैयार हो जाता है। बल्कि घर में आप यकीन मानिए, जब से घर में मैं डोसे बनाती हूँ तब से बाहर से हमारे यहाँ कोई डोसा नहीं खाता है, क्योंकि घर में बहुत ही डिलिशियस और इसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट, कुछ भी नहीं है जो हम घर में डोसा बनाते हैं। तो इन्जॉय कर रहे हैं हम आज ये डिलिशियस स्टफ़ डोसा भी, इस तरीके से स्टफ़ कर सकते हैं। अगर आप रेड चटनी प्रिपेयर करें जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको स्प्रेड करें और उसके बाद आलू लगाएं तो टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब दूसरे बैटर की तरफ हम आ गए हैं, ये है राइस फ्लावर वाला और बेसन वाला बैटर, जो कि है सेकेंड बैटर। इसमें भी मैंने आधा सेशे इनो डाला है और बस बढ़िया एकदम फ्लफ़ी हो गया है ये इनो डालते ही, और अब इससे भी फटाफट से डोसे बनाने शुरू करूँगी। ऑलरेडी तवा मैंने चढ़ा ही रखा है सारे डोसे बनाने के लिए, बस एक बार तवे को हम करेंगे क्लीन, तो तवा बहुत अच्छा आसानी से क्लीन हो जाता है पानी छिड़के, और पेपर टॉवल से इस तरीके से क्लीन करें और बिल्कुल चिकना आपका तवा दूसरा डोसा बनाने के लिए। तो ये बैटर को स्प्रेड कर दिया है, पहले सेंटर में डालें और जैसे ही चिपकने लगे फिर उसको इस तरीके से गोल गोल घुमाना शुरू करना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि इस बैटर की कंसिस्टेंसी टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सूजी का बैटर। ये थोड़ा सा फ्लफ़ी रहता है क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं राइस फ्लावर का। अगर राइस फ्लावर में बेसन नहीं ऐड करेंगे तो आपका डोसा बिल्कुल नहीं बाहर निकलेगा, मतलब कि चिपकने लगेगा बिल्कुल, और राइस फ्लावर एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे अगर उसे गर्म जगह पे डाल रखें, यानी कि अगर गर्म तवे पे आप राइस फ्लावर का सिर्फ मिक्स लगाएंगे तो एकदम क्लमजी सा एक गुठली गांठ सी बन जाएगी। तो इसलिए बेसन का इस्तेमाल करा जाता है इस डोसे को बनाने के लिए कुरकुरा, और ये बहुत ही बढ़िया बनता है। इस डोसे को मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रेकफास्ट में ट्राई करें तो बहुत इंजॉय करेंगे, चाहे तो टमाटो सॉस या शेजवान चटनी या उसके ऊपर कोई और मिक्स लगाकर आप इसको खाएंगे तो ब्रेकफास्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा ये डोसा खाने में, क्योंकि इसमें इस्तेमाल है बेसन का। तो ये डोसा भी आप देखिए कि बिल्कुल आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि अंदर क्या इस्तेमाल किया गया है, और सारे डोसे हैं इंस्टेंट। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो इस्तेमाल करें और बढ़िया से कुरकुरे से डोसे बना के इन्जॉय कर सकते हैं आप कभी भी किसी टाइम। तो ये भी बनकर तैयार है दूसरे बैटर से डोसा, और बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा कि सूजी और आटे का डोसा बनता है या फिर चावल और दाल का डोसा बनता है। अगर मैं तीनों तरीके के डोसे बनाकर आपके सामने रखूंगी तो यकीन मानिए आप नहीं बता पाएंगे देखकर कि कौन सा डोसा किस चीज़ से बनाया गया है। देखने में और टेक्सचर में बिल्कुल सिमिलर होते हैं ये डोसे, मतलब कि सारे ही कुरकुरे बनते हैं और सारे ही बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो ये बनकर तैयार है राइस फ्लावर और बेसन का डोसा। इसकी भी आप आवाज़ सुनिए कि कितना क्रिस्पी है। तो सब डोसे बहुत ही बढ़िया हैं, ये देखिए अंदर से भी ये भी बिल्कुल वैसा सही दिख रहा है और बनता भी बिल्कुल वैसा सही है। तो अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें तो ये था सेकेंड मेथड, जिस तरीके से आप इंस्टेंट डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी थर्ड और लास्ट मेथड डोसा बनाने का। तो ये था हमारा चावल और दाल वाला बैटर, इसमें मैं थोड़ा सा पानी अब ऐड कर रही हूँ क्योंकि हल्का सा ये गाढ़ा हो गया है। तो आप सारे बैटर में अगर आपको लगे नीड तो आप हल्का सा पानी ज़रूर ऐड कर सकते हैं, और बस ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी इसकी अब हो गई है। तो इसमें हम ऐड करेंगे इनो, तो इनो ऐड कर देते हैं और फटाफट से मिक्स करते हैं, और जैसे ही ये फूल जाएगा फटाफट से इसको हम बनाने लगेंगे इससे हम डोसे। तो मैंने आपको बिगिनिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्मेंटेशन का वो इसलिए ही समझाया है ताकि आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करें और किसी भी तरीके का डोसा बनाएं। बेसिकली डोसा बनाना अब से आपकी लाइफ में हो जाएगा बहुत ही ईजी अगर आपने ये वीडियो देखी है पूरी। तो ये बैटर लिया और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, बिल्कुल क्लीन कर दिया था मैंने पानी डालकर ऑलरेडी जो हमने तवा इस्तेमाल करा उसको, और बीच में जैसे ही डोसा चिपकने लगे तब आप इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने लगे, और जितना बड़ा आप करना चाहें डोसा उतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं। तो ये चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला दिया है मैंने, और बस कुछ 3-4 सेकंड इसको इसी तरीके से जैसे ही ये तेज़ आंच करेंगे हम ये पकने लग जाएगा, और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। गैस का फ्लेम अब मैंने ऑलरेडी तेज़ कर दिया है ताकि अच्छी तरीके से इवनली ब्राउन होने लग जाए। ये फ्लैट साइज स्पैचुला लिया है मैंने, और जितना भी ये फर्मेंटेड बैटर हमारा ऊपर उठा हुआ है इसको आप चाहे तो इस तरीके से फ्लैट कर दें, और इसके बाद 1-2 मिनट के ही बाद ही, क्योंकि तेज़ आंच हमने कर रखी है तो डोसा बिल्कुल परफेक्टली ब्राउन कुरकुरा एकदम आपको देखने में पलटने में ही समझ में आ जाता है कि डोसा हमारा किस तरीके का बना है। तो
तो ये आप देखिए एकदम कुरकुरा, एकदम पतले क्रस्ट का बिल्कुल थिन डोसा बनता है, सबसे बढ़िया ये बात है। और बस इसको मैं सर्व कर रही हूँ इस तरीके से। आज मैंने चटनी और सिर्फ आलू की सब्जी के साथ इसको सर्व करा है प्लेटर बनाकर। सो गाइज, ये रेसिपी लाने के लिए मैंने करी है थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को इजी करके दिखाने के लिए कि किस तरीके से बनाया जाता है इंस्टेंट डोसा तीन तरीके से, ताकि आपको जो भी पसंद आए वो आप इस्तेमाल कर सकें घर में, आसानी से बना सकें और साथ साथ ये कॉन्सेप्ट समझ सकें कि किस तरीके से किया जाता है डोसे का बैटर फर्मेंट दही यानी कि एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करके। और उसके अलावा आप फर्मेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो इनो, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, किसी भी चीज़ का। तो आई होप आपको ये रेसिपी, ये वीडियो आई है पसंद। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोज आपको आती है पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।